हिमाचल और गुजरात में चुनावी नतीजे साफ हो चुके हैं। गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई है, लेकिन हिमाचल की जनता ने जो रिवायत है उसको बरकरार रखा है और इस बार फिर हिमाचल से बीजेपी को हटाकर कांग्रेस को मौका दिया है। हिमाचल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है, 40 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अब हिमाचल में सरकार बनाने की कवायद कांग्रेस ने शुरू कर दी है और इसी के चलते चंडीगढ़ में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जुटने शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके पास हिमाचल चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी थी, वो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हिमाचल के चुनाव के पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चंडीगढ़ में मौजूद हैं और इस वक्त एक होटल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर तमाम जो दूसरे नेता हैं जिनकी चुनाव में जिम्मेदारी थी वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। और चंडीगढ़ के साथ सटे मोहाली के एक बड़े होटल में तमाम नेता पहुंच रहे हैं और जो जानकारी है उसके मुताबिक हिमाचल से चुनाव जीतने वाले कई विधायक भी इस मोहाली के होटल में पहुंच चुके हैं और देर रात तक और सुबह होते होते तमाम जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, जो विधायक बन चुके हैं, वो यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद हिमाचल की जो रणनीति है वो कांग्रेस यहाँ पर अख्तियार करेगी। हिमाचल में कांग्रेस को भले ही पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई है उसके बाद कांग्रेस को डर है कि कहीं सेंधमारी उनके विधायकों में ना हो जाए। इसके चलते तमाम जो हिमाचल में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं उनको देर रात को ही मोहाली के इस होटल में पहुँचने का मैसेज दिया गया है। विधायक दल का जब नेता चुनने की बात आए तो आपस में आपसी तकरार जो है उसका फायदा कोई दूसरा दल ना उठा ले, ये कहीं ना कहीं चिंता कांग्रेस के नेताओं में साफ दिख रही है। देखना होगा कि आज की इस कयामत की रात के बाद अगले दिन की जो सुबह होगी उसमें हिमाचल में कांग्रेस की क्या रणनीति निकलकर सामने आती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सीवर, जनता टीवी, मोहाली।